हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? अगर आपको बाय चांस लाउड स्पीकर गाने वगैरह की आवाज आ जाए बीच में तो उसको इग्नोर करिएगा, है ना। एक्सरसाइज वन ए से स्टार्ट करना है ना आज। वन ए वन बी राइट, आज का टारगेट है। तो वन ए में बताइए, फर्स्ट टेन में कोई डाउट है क्या? अगर है तो चैट बॉक्स में पोस्ट करिए फटाफट। वन ए अगर फर्स्ट टेन में नहीं है तो फर्स्ट 20 का करो, है ना, सो दैट बाद में अगर कोई रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे परेशानी नहीं होती है। दैट्स ग्रेट। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट 30 में बताओ। वन ए में तो थ्री ईयर बैच में हार्डली कोई डाउट होना चाहिए यार, ना, बिकॉज वन ए इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लेवल असाइनमेंट्स और द इन चैप्टर एक्सरसाइजेस, राइट, है ना। इन चैप्टर के सॉल्यूशन मिले होंगे ना आपको, जो हैंड रिटन सॉल्यूशन बनाया है। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी डाउट इन इन चैप्टर ऑल्सो, बट अगर होगा तो हम नेक्स्ट टाइम वो भी देख लेंगे। कोई अगर पर्टिकुलर दो चार क्वेश्चन अगर वैसे होंगे वो हम देख लेंगे, उसकी चिंता मत करिए। वन ए में फर्स्ट 30 में डाउट नहीं है। अच्छा, तो टेंथ क्वेश्चन में डाउट है, बाकी ठीक है, 30 का कोई और डाउट नहीं है। टेंथ? हाँ, मेरे तो आंसर गलत हो गया सर। देखता हूँ। हाँ, 22 वगैरह तो चैट बॉक्स में भी देखा मैंने, डोंट वरी, वो करते हैं। अरे तो क्या मजाक है, आंसर गलत कैसे हो गया? देखो ये ट्रैप है, इसको अगर रैशनलाइज करना है तो माइनस साइन के साथ मत रैशनलाइज करो, इसको पहले ऐसे लिख लो, ठीक है, और अब रैशनलाइज की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये रूट थ्री माइनस वन आएगा, नहीं, क्यों नहीं करना है सर? क्योंकि सर कॉमन टर्म को वन अपॉन रूट आर प्लस टू ऐसा करके बना। अरे उतना करेंगे तब तो हो गया यार, देखो वही काम वही मैं कर रहा हूँ सीधी भाषा में। तो nth टर्म क्या बन जाएगा बोलो? वन अपॉन अंडर रूट टू एन माइनस वन प्लस अंडर रूट टू एन प्लस वन, सही है? वो डायरेक्टली एक स्टेप में लिख सकते थे ना ये तो। हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ, बट लिख के दिखाना तो पड़ता ही ना कि यही चल रहा है, या जनरल टर्म लिख के तुम आंसर दे देते, बताओ। ठीक है, नहीं ना, समझ गया, है ना। ये लिख के भी तो यही करके दिखाना पड़ता कि टेलीस्कोपिक बन रहा है। चले अब 22 करते हैं डिस्कस, ठीक है, बताओ 22 में तकलीफ क्या एग्जैक्ट। फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज एक्स एंड इट्स सम इज 5। देखो इस क्वेश्चन में ना मेरे ओपिनियन में कोई मिस्टेक है, क्योंकि मुझे ध्यान है मैं लास्ट ईयर भी क्लास में डिस्कस कर रहा था ना, तो इस बात पे चर्चा हुआ है। मिस्टेक नहीं है एक्चुअली, उसमें वो है ना वो देखो ध्यान से समझो, इफ एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट, समझो आराम से, इफ एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट देन क्या होता है, कंडीशन क्या लगता है? आर माइनस वन से वन के बीच में, मॉड आर लेस देन वन, एंड वी ऑल नो आर कैनॉट बी जीरो, इस बात का ध्यान रखना। आर जीरो हो सकता है क्या? तो जीपी नहीं रहेगा। फिर जीपी का तो डेफिनेशन यही है, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, है ना, तो आर को तो जीरो ले नहीं सकते। तो कंक्लूजन ये आएगा कि आर कायदे से ये बिलोंग करेगा माइनस वन से जीरो, यूनियन जीरो से वन, इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए हमें। तो आगे जीरो होगा तो भी गलत तो नहीं है ना? नहीं गलत है ना, जीरो कैसे लेंगे बताओ सर। बट जीपी के डेफिनेशन में ऐसा तो नहीं बोला कि जीरो नहीं हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसे कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो एक मिनट वही मैं बता रहा हूँ, वेयर यू सॉ द डेफिनेशन टेल मी, मैं बता रहा हूँ कुछ मटेरियल्स में ना मतलब गलतियां होती हैं, ये बात को बिलीव करो। आप बोलोगे तो मैं कोई फॉरेन ऑथर के बुक से भेजूं डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लेके, ये बात स्पष्ट लिखा होता है जीपी के डेफिनेशन में, अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, इस बात को समझो ना पहले। ये बताओ एचपी में जीरो मिलेगा क्या कोई टर्म? नहीं, जीपी और एचपी में जीरो मिल ही नहीं सकता कोई भी टर्म, असंभव, संभव ही नहीं है ये बात। क्लियर? एपी में मिल सकता है, एपी में वी कैन हैव अ टर्म जीरो, और वी कैन हैव जीरो 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 ऑल्सो, कॉन्स्टेंट एपी, क्या प्रॉब्लम है, बट जीपी और एचपी में नहीं। तो इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग हैंडल करो मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट टर्म इज एक्स, ठीक है, एंड इट्स सम इज 5, तो
एस इनफिनिटी क्या आएगा, एक्स अपॉन सॉरी एक्स अपॉन वन माइनस आर, यही ना? हाँ सर। तो फाइव है ना ये वैल्यू, एक्स अपॉन वन माइनस आर, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फाइव माइनस फाइव आर, है ना? हाँ सर। यहां तक कोई मिस्टेक अभी तक नहीं? उसके बाद एक्स का रेंज पूछा है, राइट? तो अगर आर यहां बिलोंग कर रहा है तो बताओ फाइव आर, फाइव आर कहां बिलोंग करेगा? माइनस फाइव से जीरो, यूनियन जीरो से फाइव, तो माइनस फाइव आर भी सेम सेम आएगा क्योंकि सिमेट्रिक है ना। हाँ, सिर्फ रिवर्स हो जाएगा बट उसे पर हाँ, वो आएगा सेम ही। अब फाइव ऐड कर दो, अब फाइव ऐड कर देते हैं तो जीरो से फाइव बराबर चमक रहा है, यूनियन जीरो टू टेन, दिस शुड बी द एक्चुअल आंसर। जीरो से फाइव यूनियन जीरो से टेन, एक मिनट, अरे वो गलत लिख दिया सर, जीरो से टेन ही आएगा ना डायरेक्ट? हाँ हाँ हाँ, नहीं आएगा ना, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तब से। हाँ, अगर फाइव के बराबर ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फाइव के बराबर देखो ना, फाइव ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया ना। अगर ये अगर ये ऑपरेशन समझ गए तो बहुत आसान है फिर कंक्लूड करना मैं क्या बोल रहा क्यों बोल रहा। मॉड आर लेस देन वन एक प्रॉपर वे में बोलने का कंडीशन है, बट आर जीरो नहीं ले सकते हम। चले 22 के बाद कौन सा है भाई? 26 क्लास में लिखाया था, मतलब क्या लिखाया था, मैं समझा नहीं, चैट बॉक्स में एक जगह लिखा है क्लास में लिखाया था। सो शायद कि वो जीपी का जीरो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल लिखाया गया होगा, ये बात बिल्कुल लिखाया गया होगा, जीपी का डेफिनेशन लिखाने में ही ये बात लिखाया गया हो। तो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, देखो रैंडमली मत पोस्ट करो प्लीज क्वेश्चन, उससे बस कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 26 राइट, इसके बाद 26 करें ना, बताओ 26 में तकलीफ क्या है वो तो बताओ, बोलो। ABCR in HP, then the value of this, this, this. ABC in HP का मतलब क्या होगा? 1 by A plus 1 by B plus 1 by C in AP, sorry, 1 by A, comma 1 by B, comma 1 by C in AP. और इसका एक मीनिंग तो साफ दिखता है कि 2 by B is 1 by A plus 1 by C. तो जो एक मिनट, अपने पास क्या क्या क्वांटिटी है वो आराम से संभाल कर पाते हैं। 1 by B plus 1 by C minus 1 by A into 1 by C plus 1 by A minus 1 by B, और एक निगाह ऑप्शन पे डालते हैं कि ऑप्शन कौन से वेरिएबल्स में वर्क कर रहा है, तो अलग अलग ऑप्शन अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 1 by A plus 1 by C को 2 by B रिप्लेस कर दें यहाँ पे, एक चीज तो हम बहुत क्विकली कर सकते हैं ना। 1 by B plus 1 by C minus 1 by A into, अगर 1 by A plus 1 by C को 2 by B लिखते हैं तो ये 1 by B हो जाएगा, है ना? अब मतलब देखो ऑप्शन के हिसाब से घूमो, अपनी मर्जी से कुछ भी करते जाओगे तो यू विल नॉट रीच टू द ऑप्शन। अब एक बार ऑप्शन के स्ट्रक्चर्स को देखो ध्यान से और उसके हिसाब से वर्किंग करो। यहाँ पे B है, ठीक है, तो अगर हम B और C के ये में काम करते हैं, B और C के, तो हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए, और अगर हम A और B के रेस्पेक्ट में काम करते हैं तो हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए। अब बताओ क्या करें, दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो रहे हैं ना यहाँ से, यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो रहे हैं, या तो 1 by A को रिप्लेस करें या 1 by C को रिप्लेस करें, तो बताओ क्या करें जल्दी। चलो मैं 1 by C को रिप्लेस करता हूँ एक मिनट के लिए, तो 1 by C क्या हो जाएगा, 2 by B माइनस 1 by A, तो ये कितना दिखेगा, 3 by B माइनस 2 by A, है ना? अब देखना कोई ऑप्शन है क्या ये, और एक पॉसिबिलिटी और क्या उठता है यहां से, 1 by A is 2 by B minus 1 by C, तो
वो तो कुछ ज्यादा ही घनघोर बन जाएगा, 1/b + 1/c - 2/b + 1/c × 1/b, ये कितना आ जाएगा, 2/c - 1/b, घनघोर तो नहीं बनेगा, बट हाँ इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन आना चाहिए। देखो तो क्या दे रखा ऑप्शन, ये सिंगल करेक्ट वाला ही है ना? हाँ सर, आंसर 3/b² - 2/ab है सर। आ गया ना, आ गया ना, देखो देखो इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ सर, 3/b² - 2/ab आ तो गया। अब ये तो मतलब देखो, अब पता कैसे चलेगा, कुछ पता करने का तो यही तरीका था। मैंने तो बोला दो पॉसिबिलिटीज पे मैं वर्क करूंगा, मेरे को जो ऑप्शन दिख जाएगा कोई ना कोई इसके टर्म्स में तो देखना ही चाहिए। देखो ना, जैसे पहला ऑप्शन है तो वो बी और सी के टर्म्स में, सी ऑप्शन ए और बी के टर्म्स में, और इस 1/b को रिप्लेस करना तो कुछ ज्यादा ही हो जाता, क्योंकि हमने वर्क को रिड्यूस किया था, उसकी उल्टी गंगा बहाना कहेंगे। और इनको पूरा मल्टीप्लाई करना मतलब बेवकूफी का एग्जांपल हो जाएगा, बहुत गंदा जाएगा। वो शायद यही किया होगा किसी ने, जिससे नहीं बना होगा, ये उलझ गया होगा एकदम से जंजाल में, क्या कर रहे हैं हम पता ही नहीं चला होगा। चले आगे, क्लियर है ये ऑप्शन नॉट मैचिंग? हाँ अब तो कर रहा है मैच, कर रहा है ना, है ना। अब चले कौन सा, 26 के बाद कौन सा है भाई, 27 27 हाँ 27 पे ही आ रहे हैं। 27 में क्या तकलीफ है बताओ, मतलब क्वेश्चन के बारे में थोड़ा एलेबोरेट करोगे तो जल्दी, ज्यादा जल्दी हम कंक्लूड कर पाएंगे ना। एबीसी इन एचपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब देखो ये तो मतलब यहाँ अगर हम एक एक ऑप्शन से लड़ने बैठेंगे ना, बहुत लंबा युद्ध हो जाएगा, सही बता रहा हूं मैं। इतना तो दिख रहा है भाई ऑब्जर्वेशन की ऑप्शन बी इज रॉन्ग। हाँ सर, वो तो एक स्टेप में वो देख के पता चल रहा है। अब रही बात ए और सी की, तो काफी हद तक सिमिलैरिटी नजर, काफी हद तक ऑप्शन डी नन ऑफ दीज देयर हो सकता ना कभी भी, इसीलिए इसमें हां, तो इसीलिए हमें ए और सी को अब क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं बचता, ए और सी को क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा। और क्रॉस चेक करने के लिए ऐसा कर लो ना, 2/b = 1/a + 1/c है ना, इसी को रिप्लेस, इसी को रिप्लेस करके देखो, अब और कोई उपाय नहीं बचता। और नहीं तो क्या करो मालूम, अरे दुनिया का सबसे सुंदर एचपी ले लो ना, 1/2 / 1/3 हाँ, और डाल के वेरीफाई, बस खत्म क्वेश्चन। ये रिप्लेस करना स्टैंडर्ड तरीका है, कल को जेई सब्जेक्टिव होता और वो बोलता नहीं आपको तो वैलिड मैथमेटिकल स्टेप्स दिखाने, तो इससे करके दिखाओ, और ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ये करो, खत्म काम। कर लोगे, बढ़िया आगे। ऑप्शन ए एंड सी मस्ट बी क्रॉस वेरीफाइड, नो अदर वे, ठीक है? ठीक है सर, क्योंकि नन ऑफ दीज ने ऐसा, और नन ऑफ दीज नहीं भी होता तो भी ऐसा ही सिचुएशन में फंसे हुए हम यहाँ। 27 के बाद बोलो, एक मिनट चैट बॉक्स में क्या है, 28, 29, 30 क्या बात है सर, सर मुझे एजीपी वाला इन जनरल नहीं समझ रहा है। अब चलो समझाता हूं मैं, एजीपी में ये तो 28 वाला तो बहुत आसान है, कहोगे कैसे, तो इसका एपी पार्ट को ट्रैक करते हैं। देखो एपी पार्ट क्या होगा, दिमाग लगाओ, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3/2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 5/2 square, बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर। अब ए कितना लोगे, एपी से लेंगे, ए हमेशा एपी से लेंगे 1, ठीक है? जीपी का तो फर्स्ट टर्म 1 लेते ही लेते हैं एजीपी में, ये रूल है ध्यान रखना। ऐसा मतलब कोई भी जीपी फर्स्ट टर्म हम 1 ही लेंगे, एजीपी अगर बना रहे एजीपी तो कैसे बनेगा वो ध्यान से सुनना, कान खोल के, वरना मिस्टेक करोगे ऐसे क्वेश्चन में फिर से, ठीक है? जीपी क्या लेंगे, जीपी वी विल फोर्सिबली स्टार्ट विथ 1, और अगर क्वेश्चन वो चीज अलाउ नहीं कर रहा तो मैं क्वेश्चन में कॉमन लूंगा, कॉमन लेके वो सिचुएशन क्रिएट करूंगा, ऐसा इन चैप्टर में है, ओके? हाँ सर।
कंक्लूजन क्या गया, ए इज वन, डी इज टू, आर इज हाफ। अब एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा दो, ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। एस एन निकालना होता तो मैं यू नो नॉर्मल मेथड से करता, आर से मल्टीप्लाई करता एस एन को, फिर एक धक्का मार के लिखते, फिर सब्ट्रैक्ट करते, उतना लंबा कौन करेगा। यहाँ इस फॉर्मूला को याद रखो, डालो आंसर लाओ, बताओ नहीं आ रहा है तो। सर इसको तो हम वो भी कर सकते हैं ना, एस एन लिख के फिर एस एन टू लिख के। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमें उस मेथड से करना होगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। बट ये फॉर्मूला रट लो भाई, जल्दी जल्दी काम आता है, ये लंबा प्रोसेस क्यों करना। ये बहुत टाइम जाएगा यार सर। फॉर्मूला वो जो आपने ऊपर बॉक्स में लिखा है वो? हाँ बिल्कुल, दिस इज अ वैलिड फॉर्मूला बिकॉज मॉड आर इज लेस देन वन। मैं डराइव करके दिखाऊं क्या? सर ग्रेटर देन वन आर नॉट वैलिड, तो एस इनफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। सॉरी अगर मॉड आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया तो चाहे वो जीपी हो या एजीपी, एस इनफिनिटी विल नॉट एग्जिस्ट, इट विल नॉट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। ड्राइव करके दिखाऊं फॉर्मूला, जल्दी बोल दो। नहीं सर, नहीं सर, किया हुआ है क्या? लास्ट क्लास में किया था, क्लास में कराया गया होगा यार। थोड़ा लिमिट का फंडा लगा देना कि r रेज टू इनफिनिटी टेंड्स टू जीरो इफ r इज मॉड r इज लेस देन 1। बस 29 में क्या तकलीफ आ रहा है सर? पता नहीं चल रहा कैसे करूं। तो जनरल टर्म लिख लो ना, जनरल टर्म लिख सकते हो इसका, बताओ। सर ये भी एजीपी होगा ना? हाँ मतलब देखो मैं तो जनरल टर्म लिखूंगा, अगर पहचान में नहीं आ रहा है कि क्या है तो जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म लिखने के बाद पहचान में आ जाएगा। तो अगर तुम पहचान गए हो कि एजीपी है तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, लेट मी आइडेंटिफाई। बिल्कुल एजीपी है, एजीपी है, एजीपी है, वेयर एपी इज दिस 1 2 3 4, ठीक है, एंड जीपी क्या है 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। अब बोलो ये मुझे करके देना है या कर लोगे? सर अभी नहीं समझागे, क्या करेंगे इसमें? तो अब एस एन लिखेंगे, एस एन इक्वल टू 1 प्लस जी, पहला टर्म तो 1 2 ऐसे तो 2 आ रहा है ना। मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर जो आपने ओके गलती समझा सर, तुम गलत मतलब ये कर रहे हो, क्या बोलते हो उसको? हाँ सर मैं गलत सोच रहा था उसमें। तुम कुछ तो गलत कंक्लूजन निकाल रहे हो आउट ऑफ इट। तो मैं तो एसएन के रेस्पेक्ट में काम करूंगा, ठीक है। सर एक्चुअली मुझे लगा कि वो पॉइंट है, इसके लिए मैं मिस्टेक हो रही थी। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ सर तो मुझे करना होगा या कर लोगे? अब क्या करेंगे धीरे से? टेन इक्वल टू 100, ओके चले आगे। हाँ सर और बताओ, एक मतलब मान लो बहुत ही अनफेमिलियर सिचुएशन में फंस गए ऐसे क्वेश्चन में, तो यहां ना मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके ऑप्शन छाटा जा सकता है। मान लो जेई में इस तरह से क्वेश्चन है और टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं? आई कंसीडर द सीरीज इन अ जनरल मैनर। तो सीरीज तो दिख रहा है कि ऐसे एंड हो रहा है ना, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर सीरीज इस तरह से एंड हो रहा है, ये तो पहचान में आ रहा है। तो व्हाट आई डू, आई पुट एन इक्वल टू 1 एंड देन ट्राई टू ट्रैक द सीरीज। तो एस कितना है, सम कितना है,
तो अगर मैं एन को वन डालता हूं तो सम वन है, सही है। अब क्या करेंगे, जो ऑप्शंस दे रखा ऑप्शंस उनको एन के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस तो एन के टर्म्स में नहीं है, तो ऑप्शंस को एन के टर्म्स में बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे कोई मुझे बोलेगा ना यहाँ पे ऑप्शन ए को ट्रैक करके दिखाओ, तो मैं ऐसे ट्रैक कर दूंगा इसको, एन इंटू टू की पावर एन प्लस वन। ऑप्शन बी इज एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन प्लस वन, एग्री और नॉट। ऑप्शन सी इज एन माइनस वन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, एंड ऑप्शन डी तो एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन है। अब बताओ, दिमाग लगाओ कि एन को वन रख के कौन सा ऑप्शन वन दे रहा है। देर मे बी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट एन इक्वल टू टू जब डालेंगे ना तो सारे ऑप्शन छट जाएंगे गलत वाले। फिर एन इक्वल टू टू डालेंगे तो सम मेरा कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, फाइव आएगा। हाँ सर, तो फाइव एन इक्वल टू वन पे वन और एन इक्वल टू टू पे फाइव, पक्का एक ही ऑप्शन देगा। टेस्ट करो और बताओ नहीं दे रहा है तो। एन इक्वल टू वन डालो तो पहला ऑप्शन तो छट गया, गलत है। दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, सही लग रहा है, वी आर नॉट श्योर। टू पे तो माइनस वन आ रहा है ना, क्या एन इक्वल टू टू डालते हैं तो फिर एक ही टर्म आएगा। एन इक्वल टू टू डालेंगे तो मेरा सीरीज दो टर्म्स का है ना। ओके सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मैं वो नीचे वाले वो नेगेटिव एसन था वो यार। नेगेटिव एसन है ये, हाँ एग्री, बट बाद में हम एसन को माइनस कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। कोई मिस्टेक कर रहा था, मैं तो अलग ही कहानी समझा रहा हूँ भाई, कि अगर ऐसे क्वेश्चन में फंस गए जहाँ कुछ नहीं पहचान में आ रहा है तो कुछ इस तरह तो कर सकते हैं जुगाड़। और ये जुगाड़ नहीं है, ये एक इफेक्टिव प्रॉपर मैथमेटिकल तरीका है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसा नहीं है। सर इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है कि बस नेचुरल नंबर के टर्म्स में आना चाहिए, वरना वो हमारे बस की बाहर की बात हो जाएगी। इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रैक डाउन द ऑप्शंस एज अ जनरल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक इट। ठीक है, बाकी मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ वेरी यूजफुल टूल टू यू नो वेरीफाई द रिजल्ट्स, मतलब प्रूव कर। केजीपी में वर्क करेगा? नहीं, पूरे सीक्वेंसरी चैप्टर में करेगा। कहीं नहीं कर रहा हो तो मुझे बताना। पूरे सीक्वेंसरी चैप्टर में जहां भी एन के टर्म्स में ऑप्शन है, कितना भी गंदा सीरीज हो, मुझे बताओ एन इक्वल टू वन और एन इक्वल टू टू डालने के बाद जो ऑप्शन फाइनली नहीं वेरीफाई हो रहा है वो पक्का गलत है। क्योंकि ये मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल यही कहता है, अगर n इक्वल टू वन और n इक्वल टू टू के लिए ट्रू नहीं है तो वो रिजल्ट तो कभी नहीं ट्रू हो सकता फॉर अ जनरल नेचुरल नंबर n। मतलब से वही बात हो गई ना कि कोई भी वैल्यू के लिए करेक्ट है तो फिर इसके स्पेशल केस के लिए तो होगा ही। बिल्कुल वही वही वही। सो अब हम अगर चेक कर रहे हैं ओरली तो चेक थोड़ी करेंगे n इक्वल टू 100 डाल के, चेक तो 1 2 डाल के ही करेंगे, है ना। हां सर, हो सकता है अभी मैथमेटिकल इंडक्शन का यू डोंट हैव आइडिया, यू विल गेट इट स्लोली एंड स्लोली, बट हाँ एग्जाम में ऑप्शन छाटने का ये रामबन तरीका है। यू कैन क्रॉस चेक इट लेटर ऑन, अभी नहीं, आई विल नॉट प्रमोट इट व्हाइल सॉल्विंग, है ना। फिर पता चला जो की स्किल है वो नहीं डेवलप करोगे पहचानने का सीरीज क्या है, और ये उल्टे सीधे तरीके मत लगाओ अभी। बट हाँ फंस जाओ ना अगर क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ये लगाओ, पक्का आंसर आएगा। हाँ बोलो सर, इसमें आपने इनपुट n इक्वल टू 100 क्यों लिखा, 99 आना चाहिए ना। नहीं, 99 कैसे आएगा, लास्ट टर्म क्या है बोलना। 100 इनटू 2 रेस टू 99। हां तो लास्ट टर्म n इक्वल टू 100 के लिए आ रहा है ना। हाँ हाँ समझा सर। अरे इसी में मिस्टेक कर रहे हो तो ऐसे कैसे होगा भाई, प्रॉपर ऑब्जर्व करो ध्यान से। ये सब वाकई ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं एग्जाम में, यही सब में गलती होती है, इसीलिए आंसर नहीं मैच करता। समझ आ रहा है ना। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ, एन इक्वल टू वन और एन इक्वल टू टू डाल के। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी ही हो रहा है क्या फाइनली। नहीं, एन इक्वल टू वन डालने पे डी भी हो रहा था ना, तो अगर एन इक्वल टू टू डालते हैं तो ऑप्शन बी हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी पक्का सही है, ऑप्शन बी देख लो। तो
जिसको इतना कहानी नहीं भी आता वो ऐसे ऐसे दिमाग लगा के एग्जाम में निकल सकता है। अगला कौन सा क्वेश्चन? 30। और इसका काफी यूज बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर होता है वहां भी चलता है। 30 में क्या है? अरे ये किसने पूछा? अरे अभी जो बता, अभी जो रामबाण तरीका बताया उसको लगाना, आंसर लाना। हाँ ये सर, ये ट्राई करता हूँ अभी सर। इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। क्लास में भी किया था। नहीं मतलब बाय चांस अगर भूल गया हो कोई कि इसमें मेथड क्या लगाते हैं तो देख लो ध्यान से। अभी मैंने लेवल एक्सरसाइज करा था उस दिन भी एक करके दिया था, जब कोई बंदा बोल रहा था कि मेरे से मिस्टेक हो रहा है। तो 3/9 × 9 + 99 अभी जो तरीका बताया ना अभी। सर ये रहने दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ उसको n=1 और n=2 डाल के देख। जैसे यहाँ पे देखो दिमाग लगाओ, अब तो ये बन गया ना 10 − 1 n²−1। तो क्लास में कराया है? बिल्कुल कराया होगा, ये सब एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जांपल है। अब देखो n=1 डालोगे तो सम कितना आएगा बोलो? एक ही टर्म आएगा 3। और n=2 डालोगे तो सम कितना आएगा? 36। तो देख लेना इस बेसिस पे यू विल ऑलवेज रीच द करेक्ट ऑप्शन। 32-40 में बताओ क्या डाउट है जल्दी से। मैथमेटिकल इंडक्शन जेई में अलग से नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाते वक्त आइडिया दे देंगे आपको, लेकिन अलग से ये चैप्टर नहीं है जेई में। सर 39। एक मिनट, आई हैव टू लुक एट अदर ऑप्शंस आल्सो जो उससे पहले वाले हैं, जैसे 33-34 किसी ने पोस्ट किया। करते हैं पहले 33-34 करने दें। तो 33 में क्या है? अरे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या तकलीफ आ रहा है? आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या? सिग्मा आर क्यूब आर इज इक्वल टू 1 to n, इसका एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा कि इट इज सिग्मा आर आर इक्वल टू 1 to n का होल स्क्वायर, विच मीन्स इट इज n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये कराया गया होगा ना क्लास में? यस सर। तो बस सब पुट कर दो, यानी को 15 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 34 में क्या है? 34 में यू नो अभी जो जुगाड़ सीखा ना, जुगाड़ लगा दो फोकट में, लंबा खींच जाएगा ये क्वेश्चन। अभी मैंने क्या जुगाड़ बताया बताना? n=1 n=2 और बताओ आंसर नहीं आ रहा हो तो एकदम एक्यूरेटली विद इन अ मिनट आंसर आएगा। सर बिना जुगाड़ के कैसे होगा ये? अच्छा थोड़ा लंबा जाएगा फिर भी। बिना जुगाड़ के देखो अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने किया। प्रॉब्लम क्या है ये क्वेश्चन इतना गंदा है कि ये tn दे रखा है ना टर्म्स में, ये टेलीस्कोपिक भी नहीं बन रहा है ना। और अगर हम फैक्टराइज करें a²-b² को तो वो a+b × a-b बन रहा है। एक एक ब्रैकेट खोल के आ जा रहा है। हाँ तो ठीक है ना, एक इस तरह फैक्टराइज करके अगर बन रहा है तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं तो कहूंगा कि n=1 n=2 डालो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो भी आंसर आ जाएगा। 1² + 2² + n² को अलग करके n + 1 12 + 1/6 डालेंगे। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है तो बिल्कुल उस तरह सेपरेट आउट कर लो, ठीक है, वो भी अच्छा आइडिया है। n²-1 = क्या जाएगा? t1 + t2 + t3 up to tn, मतलब ये बेसिकली SN है। कुछ चमका क्या दिमाग में? चलो लेंदी मेथड ही चाहिए तो लेंदी मेथड दे दिया। अब यहां से कॉमन ले लेना, ठीक है, यू विल गेट SN। आफ्टर यू गेट SN अप्लाई दिस खोपड़ी वाला फंडा, SN − SN − 1 = tn फॉर ऑल any sequence। सर इसमें एंड में SN
इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आता है, तो मैंने सीधा टी एन इक्वल एन ले लिया, वो सही है ना? बिल्कुल सही है, मैं तो जनरलाइज्ड कर दिया। चलो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत गंदा वाला आया होगा, तो ये लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है डाउट 38? हाँ 38 भी है, एक मिनट, 38, 39, 40 तीनों देख लिया मैंने। 38 में क्या तकलीफ है? ए बी सी इन जी पी देन दिस 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 इन ए पी, ये तो मतलब, एक मिनट, नहीं एक मिनट, एच पी होगा, क्यों होगा मैं बताता हूँ। 38 किसने पूछा है? मैंने। चलो देखो ध्यान से, ए बी सी इन जी पी तो कैसे लोगे बताओ? ए ए आर, ए आर स्क्वायर। हाँ सर। बराबर, तो दिमाग लगाओ कि इन पे लॉग ले लेते हैं, लॉग लॉग ए, लॉग ए प्लस लॉग आर, ऐसा बनाओगे? हाँ सर। कोई भी बेस ले लो अपनी मर्जी से, चलो बेस एक्स ले लिया, ठीक है, बेस अपनी मर्जी से ले लिया है। हाँ सर। ये क्या बन जाएगा? लॉग ए प्लस टू लॉग एक्स, लॉग आर, टू लॉग आर बेस एक्स। तो ये क्या दिख रहा है? ये एपी नहीं दिख रहा है, टेक कॉमन डिफरेंस। हाँ सर। बराबर समझ आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर। तो कॉन्क्लूजन क्या आया, ब्रॉडर सेंस पे कॉन्क्लूजन क्या आया? लॉग ए बेस एक्स, लॉग बी बेस एक्स, लॉग सी बेस एक्स इन एपी, इसका रेसिप्रोकल लेना। वन अपॉन लॉग सी बेस एक्स, ये क्या बनाएगा? एच पी। हाँ सर समझ गया। अब लॉग का एक थ्योरम होता है, इसको लॉग एक्स बेस से लिख सकते हैं। हाँ सर पता है। तो एक ही बात है, चलिए 39 भी करते हैं। 39 में क्या तकलीफ? ये क्वेश्चन मैंने शायद इन चैप्टर में सॉल्व करके दिया भी है। देखो ध्यान से मैं क्या सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। मैंने सारे ऑप्शन में डाल के देखा, ए बी के टर्म्स में नहीं आया। सही है, नहीं समझा। अब मैं समझाता हूँ ना काम की बात। चलो एम इंसर्शन सिखाया गया होगा, जी एम इंसर्शन। सर दोनों का आपने सेम ही लिया ना, ए वन और ए टू को इक्वल लिया ना? क्यों इक्वल कहाँ लिया? तो फिर ए प्लस बी कैसे हुआ? ये प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स is n times single m, सुना है क्या? हेलो। हाँ सर। सम ऑफ, अच्छा चलो वो सब छोड़ो यार, इतना लंबा भाषण क्यों दे रहा हूं मैं। ये एपी है कि नहीं है? तो एपी में ये दोनों टर्म्स का सम इसके बराबर नहीं होगा? होगा। तो बस, तो यहां तो दो ही जीएम इंसर्ट कर रहे हैं ना, ये जीपी में होगा, होगा कि नहीं? तो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड इज सेम, तो जी वन जी टू ए बी होगा कि नहीं? सर ये हो गया ना कि ए प्लस बी बाई टू और ए प्लस बी बाई टू दो बार ऐड कर दिया और रूट ए बी दो बार मल्टीप्लाई कर दिया।
ये तुम क्या बोल रहे हो ये मेरे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन व्हाट आई एम डूइंग इज द बेसिक थिंग विच इज अ मतलब क्या बोलूं फर्स्ट आइडिया अबाउट एम इंसर्शन एंड जीएम इंसर्शन. चलो लेट मी टेल यू आस्क यू वन थिंग. यू कंसीडर टू क्वांटिटीज ए एंड बी, उसके बीच बहुत सारे एम इंसर्ट करते हो, ठीक है? हां सर. तो ये कौन सा सीरीज है? ये एपी. एपी है. एपी का एक प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम. हाँ सर. हाँ या ना, ये बताओ. हाँ सर. तो यहाँ तो दो ही एम इंसर्ट कर रहे हैं ना हम, ए वन और ए टू. तो सम ऑफ ए वन और ए टू विल बी सेम एज ए एंड बी. हाँ सर. अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज क्या थ्योरम होता है? सिग्मा ए आई आई इक्वल टू वन टू एन इज एन टाइम सिंगल एम. ऐसा पढ़ाया गया होगा क्लास में, ये थ्योरम होता है स्टैंडर्ड. बट फॉर अस इन दिस क्वेश्चन एन इक्वल टू टू. भाई अब तो कुछ बोलो, क्या समझा क्या नहीं समझा. हाँ सर, समझा. कंफ्यूज हो गया. ये थ्योरम कौन सा था वो नहीं समझा बस. तुम ऐसा करो, तुम ए वन बताओ कितना लिखते हैं, ए टू कितना होता है. हाँ सर. ए थ्री कितना होता है. थ्री डी. ऐसे ऐसे टाइम पास करते करते ए एन कितना लिखेंगे. एन डी. ए प्लस एन डी. अब इनको ऐड करना एन ए डी. और डी इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन. हाँ सर. वो सब डाल के देखना, यू विल गेट दिस रिजल्ट. ओके सर. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, अभी बता देता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए. एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम्स इज nth पावर ऑफ सिंगल जीएम. सिंगल जीएम क्या होता है, ए और बी के बीच रूट ए बी, है ना. हाँ सर. तो ये सब याद रखो वरना फंस जाओगे. बाकी इस क्वेश्चन का इससे शॉर्ट और इजी सॉल्यूशन और क्या दू, तुम ही बताओ. हाँ भाई, जो बोल रहा था कि मैंने बहुत किया पर वो आया नहीं किसी ऑप्शन में, अभी भी नहीं समझा क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कोई और बोल रहा था ये बात. ये पेज एग्जाम रखे ना सर, आसान है. बहुत आसान है ये. चले आगे. 40 किसने पूछा सर? एक मिनट सर. सर मैंने यही पूछा. अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या है 40. सर एक मिनट. तो 40 क्वेश्चन इज ऑल्सो इन माई ओपिनियन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. एक तो हो सकता है कि एम जीएम के बारे में आइडिया दिया है तो सॉरी एच एम और जीएम के बारे में आइडिया दिया है तो हम एम के बारे में भी सोच सकते हैं, बट सोचने का यहाँ जरूरत नहीं है. एच एम क्या होगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी, ठीक है. और जीएम क्या होगा, रूट ए बी. This is 12 by 13, है ना? सर HM तो AB upon 2AB होगा ना, A plus B upon 2AB होगा ना? क्या? HM का A plus B upon 2AB होगा ना? हे भगवान, नहीं नहीं, 2AB upon A plus B होता है. भूल कैसे गया तुम? हाँ हाँ सॉरी सर. ऐसा तो नहीं उल्टा रख दिया था इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है? सर समझ गया सर, मिस्टेक कर दी. 26 ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 12 रूट ए बी. अब क्या करना चाहिए, मेरे ओपिनियन में स्क्वायरिंग कर देना चाहिए. तो 26 इनटू 20 स्क्वायर वाली टर्म भी आ जाएगी ना. आने दो ना, क्या दिक्कत है, करेंगे ना उनसे, निपटेंगे ना. अपने को क्या चाहिए, a बाई बी चाहिए ना. a बाई बी में क्वाड्रेटिक बना देंगे, उतना तो हम कर ही सकते हैं. 12 इंटू ए बी
एक ए कट गया, एक बी कट गया। अब बताओ जो मैं बोला था वो हो रहा है कि नहीं, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं यार, ये अच्छा नहीं लगता। 2 × 12 = 13, 2 × 26 = 13, 2 × 26 2 × 12 तो ये कितना हो जाएगा 169, राइट। ए बी इक्वल टू 36 a² + 72 ab, सही जा रहे हैं, +72 b² / b² अरे सॉरी सॉरी, टू क्रिएट क्वाड्रेटिक इन ए बाई बी। बढ़े आगे चले, 40 से 50 का बताओ चैट बॉक्स में डाउट्स। सर 40 दिखाओ ना। अच्छा 40, अप्रोच क्लियर है कि नहीं है 40 का? हाँ सर, वो क्वाड्रेटिक बनाना सिर्फ क्लिक नहीं हुआ ए बाई बी में। कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे सिचुएशन आगे भी मिलेंगे, ऐसे सिचुएशन एक दो जगह मैंने ट्रिगो में भी देखे हैं अपने बुकलेट में, पीएस बुकलेट। तो 41, 42 एंड 43 ऐसा लोग बता रहे हैं 40 से 50 के बीच, ठीक है करते हैं। 41 में क्या है, द एम ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन जीएम ऑफ द नंबर्स बाय 2 एंड रेशियो ऑफ द नंबर्स इज, अरे ये किसने पूछा है 41? ऑप्शन से उठा के खत्म कर दो क्वेश्चन। अब ये मत बोलना मच्छर मारने के लिए तोप कैसे चलाते हैं, तोप चला के दिखाइए। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव मैनर में क्यों सॉल्व करूं मैं, सीधा ऑप्शन से उठा के खत्म कर देंगे। समझा सर। चलो अब मैं 42 करता हूं। 42 काफी कंफ्यूजिंग और अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देख के ही। The ratio of m between two positive real numbers a and b to their hm is this this, then a ratio b, क्या होगा? यहाँ भी ना कुछ हद तक you'll have to take the similar route जो मैंने 40 में लिया था। Try करना पसंद करोगे या कर दूँ? बोलो। Sir try कर। Try करो, अगर 2-4 मिनट try कर सकते हो तो एक fight मारो। The approach will be very similar to 40th question। तो मैं hold करता हूँ 2 मिनट। I'm giving you time to try.
सर नहीं मिल रहा हो गया या करके तू सर कीजिए ना चलो कर अच्छा प्लीज डू 32 टिल देन अच्छा वो चैट बॉक्स में देखा नहीं था चलो मैं अभी ये यही करता हूँ पहले 42 फिर हम 32 पे आ जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन 30 से 40 का छूटा है तो सर आज 1v भी करेंगे हाँ क्यों नहीं टाइम ही टाइम है क्यों मतलब 1v अटेम्प्ट नहीं है क्या पूरा किया है सर किया है अटेम्प्ट किया तो कर लो यार जहां तक हो पाएगा कर लो डिस्कस मैं कहता हूं कि ज्यादा नहीं पर 9:30 तक तो कर ही सकते ना आराम से यस सर ओके सर 9:30 के बाद मतलब मैं भी बैटरी पे थोड़ी चलता हूं मुझे भी भूख लग जाएगा एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स दिस तो ए प्लस बी बाई टू अपॉन रूट ए बी is equal to m by n इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है क्योंकि इसमें इन्होंने नंबर्स नहीं लिखे m और n लिख दिए हैं बट कोई नहीं मैं समझता हूँ कि दिस इज इक्विवेलेंट तो n by 2 times a plus b सही लिख रहा हूँ is equal to m times root ab अब क्या करें अपन स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड और मैं कहता हूँ इस 2 को उधर ही ले जाते हैं n स्क्वायर into ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सर एच एम है ना आपने जी एम दिया शायद एक मिनट 42 कर रहे हैं ना अच्छा एक मिनट मैं एम जी एम ले लिया गलत कर एच एम तो 2ab अपॉन ए प्लस बी इसमें तो स्क्वायरिंग करना भी नहीं पड़ेगा है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab ऐसा ना इज इक्वल टू एम बाई एन ए स्क्वायर एन ए स्क्वायर प्लस एन बी ए स्क्वायर फिर क्या होगा प्लस 4m माइनस 2n सही जा रहे हैं नहीं 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 उल्टा लिख दिया ना 2n minus 4m ab equal to 0 तो b square से divide कर देते हैं n a by b का whole square plus 2n minus 4m a by b plus n सही है ना equal to 0 अब लगाओ quadratic formula 2n minus 4m plus minus under root 2n minus 4m का whole square थोड़ा करो ना simplify हो गया सर है ना प्लीज थोड़ा थोड़ा एफर्ट मारो यार अब इसके आगे मैं करूंगा अच्छा नहीं लगता सर बट ऑप्शन मैच करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ऑप्शन मैच करने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है ऐसा तो ऑप्शन को एक मिनट ऑप्शन को सिंपलीफाई करके देखना फिर इसके बराबर कौन आ रहा है हां उसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा हां बिल्कुल ऐसे मतलब बड़ा मुश्किल काम है डायरेक्ट ऑप्शन के बराबर पहुंच जाना मेरे हिसाब से रिवर्स सॉल्विंग थोड़ा करना पड़ेगा थोड़ा ऑप्शन को सिंपलीफाई करो साइमल्टेनियसली है ना 43 में क्या डाउट है 43 में 43 मैंने ऐसे लिखा log 5 एक सुनो 43 बाय ऑब्जर्वेशन आई एम फाइंडिंग कि जो RHS पे टर्म्स है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है ठीक है तो 43 में अब बताओ तुम क्या कर रहे हो आई विल गो विथ AMGM
मैंने वैसा नहीं किया, मैंने ऐसे किया कि log 3 base 5 है, फिर जो 9 7 वाला टर्म है उसको 3 root 7 लिख दिया, और 7 5 वाला है उसको root 7 root 5 लिख दिया, और फिर वो कट होके log 5 root 5 आ गया, तो आंसर x equal to root 2 आ गया। ठीक है, वो भी तरीका, बट सर उसमें कोई मैच नहीं हो रहा है ऑप्शन। ये देखो जो मैं कर रहा हूँ, AMGM जानते हो ना, x by 3 will be greater than equal to product of all these quantities, तो जब product लेंगे तो log 3 base 9 मिलेगा, the power 1 by 3, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ सर, सर जो मैंने किया एक बार आप देख सकते हो। एक मिनट रुको, अब पहले ये बताओ इससे आंसर मिल रहा है कि नहीं? हाँ सर मिल रहा है। हाँ सर मिल रहा है। चलो मैं उस मेथड पे बात करता हूँ, give me 2 minutes, चलेगा? मैं 2 मिनट में सर। एनीवन ये लॉग बेस 9 3 रेस टू 1/3 कैसा है ये आरएचएस वाला पार्ट? AMGM inequality ना, हाँ बताओ आप कौन से मेथड की बात कर रहे हो 43rd क्वेश्चन में? सर x इक्वल टू ये है ना log 5 3, तो उसमें मैंने जो log 9 7 वाला उसको log 3 root 7 लिख दिया, और 7 5 वाले को root 7 root 5 लिख दिया, तो फिर कट होके वो 5 5 log 5 root 5 आ गया। एक मिनट, उसे ऐसे स्लैंट में कट कर देते ना, एक का बेस दूसरे का ऊपर आ। प्रॉब्लम ये है कि वैसा तब होता जब प्रोडक्ट में होते ये टर्म्स। ओके हाँ हाँ समझे सर, मैं एडिशन यहाँ पे है ना, तो जब मैंने AMGM लगाया ना, जब मैंने AMGM लगाया तो वो प्रोडक्ट में आ गए, तो प्रोडक्ट में आ गए तो फट 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 कटने लगे, समझ रहे हो? उससे ही आपको ये मिला है 1/2 का वैल्यू। एग्जैक्टली,
देखो पहले तो ये समझो कि ए एम एक्स बाई थ्री होगा, ये कैसे किया मैंने, एक्स इज एक्चुअली सम ऑफ थ्री क्वांटिटीज, तीनों का सम, मैं तीन क्वांटिटीज पे एम लगाऊंगा तो उन तीनों को अपॉन थ्री लिखता, उससे अच्छा एक्स बाई थ्री लिख दिया है ना, और जीएम के लिए प्रोडक्ट अपॉन क्यूब, जीएम के लिए जैसे ही प्रोडक्ट लिया तो वो लॉग थ्री बाई लॉग फाइव इंटू लॉग फाइव बाई लॉग सेवन बेस्टेंस थ्योरम से इंटू लॉग सेवन बाई लॉग नाइन प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज रेज टू वन बाई एन, सही है। अच्छा ये कैसे पता चला मुझे एम जी एम लगाना है, बिकॉज द क्वांटिटीज आर ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे पता चला आपको, क्योंकि लॉग का बेस अगर मोर देन वन है और अगर उसका आर्गुमेंट मोर देन वन है तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए पता चला। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। इतना करने के बाद आंसर नहीं आएगा क्या, मतलब ट्राई क्या किया 32 में ये बताओ। वैसे तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल से तुक्के भी मार सकते हैं, बट मैं तुक्के मारना नहीं चाहता, मैं चाहता कि इक्वेशन के थ्रू हम प्रॉपर सॉल्व करके लाएं। सर 32 इक्वेशन बना के आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा होगा, मतलब क्या क्या किया यही सब बनाएंगे ना इक्वेशन, और इसके अलावा और क्या बनाएंगे बताओ। सर मैंने ऐसे किया, a को 2 प्लस डी लिया, b को 2 प्लस 2 डी लिया, c को 160 बाय डी लिया, b को 160 बाय डी स्क्वायर लिया। एक मिनट, b को इक्वल टू d, हाँ ये आसान काम कर दिया तुमने, राइट अब तो बहुत आसान हो गया होगा। और सब बी को फिर 160 बाय डी स्क्वायर भी हो गया। हाँ मतलब जीपी का और उसका कॉमन रेशियो सेम है, उस बात का यूज कर दिया, राइट? यस एग्जैक्टली। तो ये 160 अगर है तो ये हो जाएगा 160 बाय डी और 160 बाय डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर डी की वैल्यू मिल गई, और ये हो जाएगा 160 बाय डी स्क्वायर, 160 बाय डी स्क्वायर, तो इसे डी में क्यूबिक आ जाएगी, तो और एक। हाँ राइट 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 बिल्कुल, a प्लस टू डी इक्वल टू 160 बाई डी स्क्वायर। अब बहुत आसान है ये क्वेश्चन का, तो ए डी स्क्वायर प्लस टू डी क्यूब इक्वल टू 160 ये मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अब समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे लिखना चाहिए था ना, हाँ इसको 2 प्लस डी, मैं शायद गलत लिख दिया ना यहाँ पे, एक मिनट चलो मैं सिचुएशन को फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस क्वेश्चन में, राइट, कि कॉमन रेशियो इज सेम एज कॉमन डिफरेंस, तो इफ वी स्टार्ट विथ 2 द नेक्स्ट टर्म इज 2 प्लस डी,
उसका नेक्स्ट टर्म इज 2 प्लस 2d, यानी लिखा तो सही था उस समय जैसा तुम बता रहे थे वैसा ही लिखा था, ये 160 है, ये 160 बाई डी, और ये बन जाएगा 160 बाई 2d। हाँ तो अब तो बहुत आसान हो गया, खत्म है क्वेश्चन, अब कोई जान ही नहीं, कर लो क्या अब? हाँ भाई मतलब हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, 80 के फैक्टर्स से लगाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, बाय ऑब्जर्वेशन ही 4 आ रहा है, यस, d इक्वल टू 4 इज अ रूट। ऐसे 1 2 3 4 डाला तो 4 ही दिख रहा है, बाकी के 3 तो डालना ही नहीं है, जो ट्रायल लेते हैं वो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर से लेते हैं, समझ रहे हो? तो 3 तो डालना ही नहीं था, लेकिन आई एम श्योर दिस इज टू इजी नाउ। बताओ 46 चाहिए क्या? 45 46 48, ओके 40 भी चाहिए, 40 पहले क्यों नहीं बताया? अरे सर 40 हो गया, 40 कर दिया मैंने, मतलब ऑलमोस्ट, कोई बात नहीं, चलो 45 46 करते हैं। हाँ मुझे न लग नहीं रहा आज 1 भी हो पाएगा, आप लोग बता दो, कल तो मेरा वैसे 6 बजे भी लेक्चर है, 8 बजे भी है, तो कल आप कौन सा टाइम प्रेफर करोगे? कल नहीं तो फिर परसों लगाना पड़ेगा। सर आज ही ले लेते हैं थोड़ा पीछे, सर यही वाला टाइम, कोशिश करता हूँ सर 9 बजे, कोशिश करते हैं खींचेंगे। 45 में क्या है? इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सिक्स्थ टर्म इज 8th टाइम, द थर्ड एंड सम ऑफ द 7th एंड द 8th इज 192, देन मतलब क्या डाउट है एग्जैक्ट 45 में बताओ, व्हाट यू ट्राइड एंड व्हाट यू कुड नॉट अचीव, थोड़ा इस टाइप से होना चाहिए डिस्कशन, वरना तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो पेनिसिया से और सॉल्यूशन देख के समझ जाओगे, जल्दी बताओ 45 जिसने भी पूछा है, प्लीज कमेंट अबाउट योर वर्किंग इन 45। सर वैसे मैंने किया पर ऑप्शन में नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, सिक्स्थ टर्म मतलब क्या होगा, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 5 ही होगा ना सिक्स्थ टर्म, और 8th टर्म इज 8 टाइम्स द 3rd टर्म, तो इट इज 8 टाइम्स ए आर स्क्वायर, तो ए और ए कैंसल हो गया, आर क्यूब इज 8, तो आर इज 2, उसके बाद सर क्वेश्चन हो गया मेरा। चलो बहुत अच्छी बात है, 46 किसने पूछा बताओ, 46 में एग्जैक्ट तुमने क्या किया? कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में, मैथमेटिकल इंडक्शन से कौन से कर सकते हैं जहां भी एन के टर्म्स में ऑप्शन हो, हाँ ठीक है, 1B जब स्टार्ट होगा तो मैं ग्रुप में एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिसको लगता है कि 1B में अब डायरेक्ट डाउट है यू कैन रिलैक्स, जब मैं 1B स्टार्ट करूंगा मैं अभी ग्रुप में मैसेज डालूंगा 10 मिनट बाद। चलो 46 जल्दी बताओ, 48 49 भी है, 46 देखो ये क्वेश्चन शायद हमने उसमें भी चर्चा किया था, किसमें, लेवल एक्सरसाइज में, लेवल असाइनमेंट में था ना ये क्वेश्चन, फर्स्ट और 2n-1th टर्म्स अगर इक्वल हैं तो अगर एक रैंडम एपी जीपी एचपी है ना और उनमें 2 टर्म्स इक्वल हो गए हैं एकदम फिक्स पोजीशन वाले, तो इसका कंक्लूजन मेरे हिसाब से तो यही होता है कि सारे टर्म्स इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं दिया है क्या आंसर,
बताना। तो आई थिंक कंक्लूजन इज वेरी क्लियर, ये क्लास में बताया भी गया होगा इस तरह का फंडा कि अगर नंबर्स हम इक्वल इक्वल ले लेना तो वो एपी में भी होगा साइमल्टेनियसली, नॉन जीरो नंबर्स, जीपी में भी होगा और एचपी में भी होगा, है ना। उसी फंडे को ये क्वेश्चन टेस्ट कर रहा है। मतलब लेट मी बी वेरी फ्रैंक, ये वन ए एक्सरसाइज ना टिपिकल जेई मेंस क्वेश्चन जैसा है ये, वो भी बेसिक लेवल में बता दूं। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा ही जेई मेंस पूछता है बेसिकली। तो इनमें आधे क्वेश्चन बिना ज्यादा कलम चलाने ही बनने चाहिए, अगर उसी में इतना कलम चलाना पड़ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, तो बस इस बात का ख्याल रखना। तो 46 तो बस देखा और ऑप्शन देखा, खत्म। 48 49 में बताओ क्या तकलीफ है, 48 में क्या तकलीफ है, किसी ने लिख रखा है चैट बॉक्स में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं 48। सर आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। हाँ भाई मैं जानना चाहता हूँ कि तकलीफ क्या रही है। ही नहीं तो क्या करेंगे, एक्स इज लेस देन माइनस वन ऐसा बोल रखा है ना, और एक्स कॉमा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन कॉमा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन आर इन एपी, ठीक है। तो सॉल्व करते ना, टू टाइम्स मॉड एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके तो बताओ अब यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे, दो केसेस बनाने पड़ेंगे। माइनस एक्स प्लस वन होगा ना क्योंकि नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। क्यों अभी से माइनस क्यों लगा रहा भाई, अलजेब्रा करते वक्त सब कुछ, एक मिनट अलजेब्रा करते वक्त कीप द थिंग्स एज इट इज, डोंट प्री अज्यूम। ओके सर, है ना, इसीलिए गलती हो रहा होगा। मैं ये मान के क्यों चल रहा हूं कि ये नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा, ये तो मतलब गलत करना हो गया। चलो मैं अगर कहता हूं कि माइनस टू, एक मिनट रुको, माइनस टू जीरो टू इन एपी, तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा ना, लिखने में क्या जाता है ये, एज माइनस टू प्लस टू लिखने में क्या जाता है ये बताओ। तो वेरिएबल के फॉर्म में है ना, तो ऐसे ही लिखो, ये बात समझ लो, इफ यू आर पुटिंग अ माइनस यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। अब बताओ के वहां पे उन्होंने x less than minus 1 दिया है तो फिर दोनों मॉड खुलेंगे तो माइनस साइन लगेगा ही ना। हाँ तो वो तो अब मैं बनाऊंगा ना, अब मैं वही दिखा रहा हूँ ना कि तीन केस में एक ही केस मेरे काम का है, x less than minus 1, x less than minus 1 होगा तो क्या बनेगा, ये टू टाइम्स माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस वन, सही है, माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू वन, तो टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। अब कर लोगे, जल्दी बताओ यार। सर क्वेश्चन 47। अरे इसमें कोई मिस्टेक हो गया क्या, माइनस थ्री बाई टू
मॉड, एक मिनट, एक्स की वैल्यू गलत आई है क्या, एक बार चेक करके बताना। चलो मैं समझता हूँ 46 में, भाई 46 तुम, एक मिनट 48 में, सॉरी 48 तुम्हारा ही डाउट था ना। हाँ सर आ गया आंसर, आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 47 भी चाहिए, 47 भी करते हैं। पता नहीं अचानक फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउट काफी बढ़ गया यार, थ्री ईयर बैच में इतने डाउट थोड़ी होते हैं। एबीसी इन एचपी ए प्लस बी प्लस सी इज 37, कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हो तुम लोग। ए प्लस बी प्लस सी इज 37 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज, बताओ क्या तकलीफ आ रहा है 47 में। सर इसमें 12 माइनस डी और 12 प्लस डी आ जाएगा, उसके बाद डी की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके वन, देखो एक बात तो समझो, एबीसी एंड एचपी बोला है तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लगाएंगे, 1/a, 1/c इन एपी है ना, इसका मतलब आएगा 2/b इज 1/a प्लस 1/c है ना। यस सर। अब इसका कहीं यूज हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में, बिल्कुल हो रहा है। 3/b इज 1/4 राइट, तो b इज कमिंग टू बी 12 राइट। यस सर। पक्का। अब रही बात a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 37, तो स्मॉलेस्ट बताओ, अब गेस करना मुश्किल काम है क्या, b मिल गया तो हो गया सर, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशंस आ गए ना। हाँ वही ना, अब तो बहुत आसान है यार, तब इट्स रियली टू इजी। सॉरी सर, 47 के बाद बताओ 49 बचा है क्या। जी सर। A1 A2 अप टू A10 एन AP ठीक है, H1 H2 एन AP पता नहीं क्यों देख के ऐसा लग रहा है जैसे इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या हम लोग, बताओ A10 कितना होगा, A1 प्लस 9D है ना, A1 प्लस 9D, तो A10 कितना दिया है 3, 1/9 हो गया सर, D arithmetic progression का 1/9 हो गया D बराबर, तो D इक्वल टू 1/9 आ गया, तो A4 मिल गया। हाँ सर। उसी तरह एचपी में ऐसे ले लेते हैं अपन, कैसे 1/H1 1/H2 1/H10 इन AP सही है, तो 1/H10 कितना होगा 1/3 ना, 1/3 इज 1/2 प्लस, बोलो यहाँ डी कैपिटल डी मान लेते हैं, तो कैपिटल डी कितना है, 1/H1 1/3 क्यों लिया है आपने सर, आपने 1/H1 1/3 क्यों लिया है, H1 तो 2 है ना, एक मिनट 1/H10 कितना है, 1/3 ना, 1/H10 1/3 है, तो इक्वेशन तो ऐसे ही बनेगा ना। Yes, एक मिनट, अरे एक मिस्टेक कर दिया, 9D होगा ना। हाँ सर आप चमका, 9D इज 1/3 माइनस 1/2, तो अब ले आओगे जल्दी बताओ। हाँ सर अब हो जाएगा, थैंक यू सर, दिया जाएगा माइनस 1/54 राइट,
जी सर तो ले आना यार, 1/7 लाना है ना, तो 1/H1 + 6D, अब तो सिंपल है। 50 भी चाहिए क्या? 50 जल्दी एनीबॉडी। सर 52 चाहिए। नहीं नहीं 50 चाहिए क्या, मैं अभी वो पूछ रहा हूँ। 52 53 54 तो मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। सर 52 का अप्रोच बता सकते हैं क्या? अभी सब बताएंगे, मुझे बस 50 के बाद 60 तक के डाउट सारे एक साथ पोस्ट कर दो चैट बॉक्स में। 51 चलो पहले 51 करूंगा मैं। फिफ्टी वन में क्या दे रखा है? 51 में किया क्या ये तो बताओ थोड़ा सा। A1 A2 दिस इन AP। अब ये बताओ ये जो इतने क्वांटिटीज दे रखे हैं A1 A2 up to AN है ना, सॉरी A2N, B इन AP है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब जो हैं ये एक्टिंग एज एम्स, समझ रहे हो क्या लिखने का मतलब? ए 51 जिसने बोला है प्लीज पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, ऐसे नहीं चलता, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मत सॉल्व करवाया करो, स्पेसिफिक स्टेप वगैरह के बारे में थोड़ा बताया करो कि यहाँ पे ऐसा किया ऐसे फंस गया। डिस्कशन मतलब ये होता है फिर तो वो जो पेस के जो एकदम से टाइम पास बैचेज है वैसा वाला डिस्कशन हो जाएगा आपके बैच में भी, उसमें मैं पूछता ही नहीं हूँ, फिर मैं एक लाइन से सॉल्व करता जाता हूँ। फिर कुछ लोग मुझे सेशन के बाद मैसेज करते हैं, सर आप सारे कर रहे थे एक तरफ से, और उसमें तो म्यूट भी नहीं करता हूँ, अनम्यूट भी नहीं करता हूँ लोगों को, तो फिर लोग बोलते हैं आप तो सारे एक तरफ से करे जा रहे थे। जल्दी बताओ 51 में ये बात समझा क्या जो मैंने लिखा? फिर उसी तरह क्या दिया है, A G1 G2 up to G2N, B इन GP है ना, तो ये जो क्वांटिटीज दे रखे हैं दे आर एक्टिंग एज GMs, दे आर एक्टिंग एज GMs, ये बेसिकली AMGM फंडे का टेस्ट कर रहा है क्वेश्चन। और H इज द HM ऑफ NB, तो H इज 2AB upon A+B, ठीक है, H इज सिंगल HP, सॉरी सिंगल HM, और आगे बोला है कि A1 + A2N upon G1 G2N, ग्रेट, +A2 + A2N-1 upon G2 G2N-1, अरे बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अगर अभी भी भावनाओं को समझ रहे हो तो, और नहीं समझ रहे हो तो फिर तो कहना ही क्या। ये बताओ कि अगर ये AP है तो जैसा एक फंडा पढ़ा था आज, पढ़ाया क्या था, पढ़ाया गया होगा, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम, तो जब हम A1 + A2N लिखते हैं तो कैन आई से इट इज A+B, और जब हम G1 × G2N लिखते हैं तो कैन आई से इट इज AB, सो द नेक्स्ट टर्म इज अगेन A+B upon AB, समझ आ रहा है क्या? ये कहानी कितने देर तक चलेगी, n टर्म्स, अंडरस्टूड? यस सर, क्योंकि 2n टर्म्स है ना ये, मतलब 2n AMs इंसर्ट किए गए हैं, सो इफ यू आर गोइंग टू पेयर देम अप यू विल एंड अप विद n टर्म्स हियर, सो इट इज गोइंग टू बी n टाइम्स A+B upon AB, है ना। अब बताओ, अब ऑप्शन नहीं लड़ेगा, बहुत आसान है यार ये तो, क्या हो जाएगा यहां से, कैन आई से H/2 विल बी AB upon A+B, तो A+B upon AB को कैसे रिप्लेस करेंगे 2/H से,
खत्म क्वेश्चन सर। हाँ सर, ये a प्लस बी आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं करता हूँ, try to understand. Once you know this is an AP, तो AP का एक प्रॉपर्टी होता है। चलो एक सुंदर AP लेते हैं समझाने के पर्पस से। चलो मैं दुनिया का सबसे सुंदर AP उठाता हूँ, सबसे सुंदर, इससे सुंदर AP जीवन में नहीं देखा होगा तुमने। चलो 1 + 6 कितना होगा? बोलो 6 + 1 तो याद होगा जल्दी से। 7। 2 + 5 कितना है? 7। 3 + 4 कितना है? अरे अभी भी नहीं चमका क्या? मतलब ये कौन पूछ रहा है, इसी बैच का है क्या? आई रियली डाउट कि इस 3 ईयर बैच में ऐसे लोग बैठे हैं क्या जो ये पूछ रहे हैं a1 + a2n को a+ भी कैसे लिख दिया। कोई और बैच का तो नहीं आ गया ना डिस्कशन में? और उसी तरह जब जीपी का फंडा आगे चलेगा ना, तो जीपी के फंडे में ऐसा होता है कि इफ यू हैव अ जीपी, लेट्स से ऐसा लेते हैं 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे ले लिया 32, तो ध्यान से देखो प्रोडक्ट करो ये इसका, फिर इसका करो, फिर इसका करो, सेम आ रहा है क्या प्रोडक्ट? ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन से कि g1 इंटू g2n विल बी ab, g2 इंटू g2n माइनस 1 विल ऑल्सो बी ab, बस कुछ नहीं करना है। चलो अब ये 51 पूछ के जिसने भी मजाक किया उसको समझ आ गया होगा। 52 में क्या तकलीफ है बताओ? 52 में क्या, कोई बोल रहा था कि स्टार्टिंग के स्टेप बताओ, स्टार्ट कैसे लें, राइट? स्क्वायर प्लस स्टार्ट करो। हां अभी उसमें स्मॉलेस्ट 24 नहीं आना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल तो हिट एंड ट्रायल से ही आएगा, इनके बारे में बोल रखा है ना मोर देन 6 है। ऐसा करो थोड़ा ऐसे दिमाग लगाओ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट सुना है क्या लाइफ में? यस सर। 3, 4, 5, 12 सुना होगा लाइफ में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ट्रिपल आउट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो ये पी ए स्क्वायर है, अगला ब्रैकेट क्यू ए स्क्वायर है और आर एच एस आर स्क्वायर है, तो इट शुड फिट लाइक दिस। ठीक है, एंड द मोमेंट दे आर सेइंग कि पी इज मोर देन 6, पी इज मोर देन 6, तो लेट मी लिस्ट आउट सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3, 4, 5 सबसे छोटू है, 3, 4, 5 का बड़ा भाई, 3, 4, 5 का बड़ा भाई होगा 6, 8, 10। और अगर हम इसी का एक और बड़ा भाई देखें तो 9, 12 और 15 होगा। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि मोर देन 6 बोला है तो जरूरी नहीं है ना सीधा 9 पे ये स्टार्ट लें हम। कोई एक लेग होना चाहिए ना मोर देन 6। हाँ सही है, तो आई थिंक अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे आंसर। सर ये क्वेश्चन में फ्लॉ है ना, मतलब ऐसा दिया होना चाहिए ना नन ऑफ देम इज इक्वल टू 0। इसके अलावा बताना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और क्या क्या होंगे? 7, 24, 25, 12, 3, 12,
21 तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है यार, ऐसे कैसे संभव है? P greater than 6 लिया तो P को 8 ले सकते हैं, Q को P is more than 3, 4, 5 के बाद सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही होता है ना, 5, 12, 13 मतलब अपने नॉलेज से बताओ, बाकी तो देखेंगे। ट्रायंगुलर नंबर्स का फंडा लगाना पड़ेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरे हिसाब से 5, 12, 13 ही होता है सबसे छोटा, 3, 4, 5 के बाद। 4 cannot be the smallest side. 5, 12, 13 लिया तो 5 का अगला मल्टीपल आ जाएगा 10, 24, 26. यही होना चाहिए, 6 से 10 ही फिट बैठना चाहिए, और कोई नहीं दिख रहा मुझे तो। ही होना चाहिए, 21 कहां से ले आएंगे बताओ? 21 के लिए कोई मिल रहा है क्या सुटेबल? कोई बैठ रहा है क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट 21 के लिए? सर 21 28 5 क्या बोल रहे हो? सुना नहीं क्या बोल रहे हो? 21 और मैंने सर्च करके देखा नहीं है। हाँ नहीं है, मैं भी वही सर्च ही कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे 21 कैसे आंसर दे सकते हैं? क्योंकि साफ लिखा है ना कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, तो पी क्यू आर तो नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा, एंड सिंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में फिट बैठ रहा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से लेना पड़ेगा। Yes, yes, I know PQ are the number of terms in the brackets. But PQ are natural number hai ki nahi? And ek baar agar teen natural numbers P square plus Q square equal to R square ko satisfy karega, to usko side length of triangle bhi to hona padega, right angle triangle. 8, 15, 17 to isse jyada ho gaya na bhai. Kahan bhaag rahe ho 8, 15, 17 aur matlab लोग और भी घनघोर एग्जांपल्स मुझे दे रहे हैं 7, 9, 11 अरे 7, 9, 11 कब से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया भाई? 7 square is 49, 9 square is 81 डू यू थिंक 49 plus 81 is 11 square? क्या मजाक कर रहे हो? मतलब मजाक भी थोड़ा अच्छे लेवल का करो यार, बैच मतलब नींद में है क्या कुछ लोग? चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ कि बहुत नींद लग गया होगा। चलो बताओ 53, 54 वगैरह में कौन सा करना है आज? हाँ इसके अंदर कोई जीरो भी हो सकता था ना, तो 700 नहीं होता? नहीं जीरो नहीं होगा ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो ना। ईच सेट ऑफ पैरेंथेसिस कंटेन्स सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ओके 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 सर, ओके सॉरी सर सॉरी। पी क्यू आर मस्ट बी नेचुरल नंबर्स हियर। तुम दिमाग सही लगा रहे हो एकदम, बट क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए। सर आज 1B की संभावना है ना? मुझे नहीं लग रहा, मैं छोड़ दूं फिर मीटिंग? हाँ बिल्कुल, बाकी लोग जो मीटिंग में हैं बताइए जल्दी, 53 करना है हाँ या ना में जवाब देते जाना। नहीं सर। 54 तो यार बोलता क्यों नहीं है पहले? ऑन नहीं हो रहा था।
53 में क्या दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स टेकन टू एट अ टाइम। देखो दिमाग लगाओ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स टेकन टू एट अ टाइम, बहुत ही घनघोर सम बनेगा। तुम्हें अंदाजा लग रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूँ? हाँ सर, बहुत गंदा है ये, बहुत गंदा बनेगा। लेकिन एक आइडेंटिटी यूज करते हैं अपन, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an का होल स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। n plus 1 by 2 whole square minus n plus 1 2 plus 1 by 6 करेंगे, मुझे लग रहा है आ जाएगा। ये आइडेंटिटी यूज कर ले, अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलेगा, समझ गया? हां सर, चलेगा ये। पर सर, और 52 का आंसर क्या आया फाइनली? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मेरे को तो 24 आ रहा है। अच्छा 21 नहीं मिला? 21 कहां मिल रहा है तुम्हें बताओ, इम्पॉसिबल। ये क्वेश्चन तुम देख लो, जेई के टिपिकल क्वेश्चन कहां से कहां घुमा देते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नॉलेज टेस्ट कर रहा है ना, मतलब कहां से कहां घूम जाता है इंसान। 53 क्लियर होगा आप। 54 देखो, बहुत ध्यान से देखो, 0 less than theta, 5 is less than pi/2। इसका कॉन्क्लूजन क्या आएगा? इसका कॉन्क्लूजन आएगा कि साइन थीटा कॉमा कॉस फाई है ना, ये कैसे क्वांटिटीज हैं? लेस देन वन बराबर। तो जो एक्स लिखा है वो एक इनफाइनाइट जीपी है, 1 plus sin square theta plus sin raised to 4 theta, ऐसा ही है ना। तो एक्स कितना होगा? 1 upon 1 minus sin square theta, तो ये कितना हो जाएगा? 1 upon cos square theta। सही लिखा है या गलत लिखा है मैंने? जल्दी बताना। उसी तरह y क्या हो जाएगा? 1 plus cos square phi plus cos^4 phi, ऐसे जाएगा। तो यह आ जाएगा 1 upon 1 minus cos square phi, यह आ जाएगा 1 upon sin square phi। आगे क्या दे रखा है यार? अच्छा, जेड के बारे में कुछ दे रखा है। जेड इज सिग्मा एन इक्वल टू 0 to infinity कॉस थीटा प्लस फाइव इंटू, एक मिनट, एन इक्वल टू 0 है ना, तो पहला टर्म कितना बनेगा बताना? 1 बनेगा ना। अगला टर्म क्या बनेगा? कॉस थीटा प्लस फाइव इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव, बराबर। इजी है क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। प्लस उसका अगला टर्म क्या बनेगा? कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस फाइव इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस फाइव, सही है। सो आई कैन से दिस इज ऑल्सो जीपी। और अब बताओ इसके आगे क्या कर सकते हो? इनफाइनाइट जीपी है ना सर? इनफाइनाइट जीपी है, एग्जैक्टली, ए अपॉन वन माइनस आर। और ये आर कितना है देखना ध्यान से, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। अब कर लोगे क्या क्वेश्चन? हाँ सर, हो जाएगा अभी। अब प्लीज ट्राई कर लेना। 55 ओके सर, क्या बोले सर? 54 दिखाओ ना। हाँ सर, हो गया। फिफ्टी
57 58, 59.